हेलो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश सर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे आवेश, उसके बाद देखेंगे आवेश में धनावेश और ऋण आवेश, उसके बाद घर्षण वैद्युतिकी, उसके बाद आवेश की उत्पत्ति, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम, फिर उसके बाद देखेंगे वैद्युतशीलता, और इस वीडियो का लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा परावैद्युतांक या किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है? आपने देखा होगा कि आप पेन लिए रहते हैं और आप अपने उसे सर पर रब करते हैं, फिर आप उसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं वह इस पेन की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, ठीक है। या अत्यधिक जाड़ों के समय में आपने देखा होगा जब आप कोई ऊनी वस्त्र पहनते हैं या उसे निकालते हैं तो उसमें भी वैद्युत उत्पन्न होता है। या आप किसी भी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो जब या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं या सॉरी बस में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी रॉड को टच करते हैं तो एक प्रकार का उसमें आवेश उत्पन्न होता है, महसूस होता है, जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत आवेश का परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैद्युत आवेश, यहां मैं लिख देता हूं वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है या उसे प्रतिकर्षित भी कर सकता है, आकर्षित करता है, ठीक है। आवेश यानी वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है या उसे अपने से प्रतिकर्षित करता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है धन आवेश, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है ऋण आवेश और इसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज, क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज, क्लियर। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि आप पॉजिटिव चार्ज के समझने के लिए आप एक रॉड ले लीजिए, ठीक है, आप एक क्या करिए रॉड ले लीजिए, यानी ये जो रॉड होना चाहिए वह कांच के होने चाहिए, ठीक है, ग्लास रॉड होनी चाहिए यानी कांच की छड़। आप एक कांच की छड़ ले लीजिए और एक टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, आप एक क्या करिए टुकड़ा ले लीजिए और वह टुकड़ा किसका होना चाहिए सिल्क का, ठीक है। जब हम कांच की छड़ को सिल्क यानी रेशम के टुकड़े से जब रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो रेशम के टुकड़े पर जो आवेश उत्पन्न होता है वह ऋण आवेश होता है, ठीक है। और जो कांच की छड़ पर आवेश उत्पन्न होता है वह कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, ठीक है। इससे हमें धन आवेश की परिभाषा कैसे पता चला कि यदि कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रब किया जाता है या रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है, क्लियर। अब देखिए ऋण आवेश की बात करते हैं, तो ऋण आवेश में भी क्या करिए कि आप एक छड़ ले लीजिए और ये जो छड़ है ये एबोनाइट की छड़ होनी चाहिए, एबोनाइट रॉड, ठीक है, एबोनाइट की छड़ होनी चाहिए। आप फिर एक टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, और ये जो टुकड़ा है वह होगी कैट्स स्किन यानी बिल्ली की खाल, ठीक है।
तो अब देखिए, जब हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे या रब करेंगे तो बिल्ली की खाल पर जो आवेश उत्पन्न होगा वह पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन जो एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होगा वह निगेटिव होगा। ठीक है, अब इससे हम परिभाषा क्या बन गया कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है या रब किया जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाता है। फिर से सुन लीजिए कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं घर्षण विद्युत की। किसकी बात करते हैं? घर्षण वैद्युतिकी, सॉरी घर्षण वैद्युतिकी। ठीक है, घर्षण वैद्युतिकी क्या बोलते हैं इंग्लिश में लोग? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए घर्षण, घर्षण से आपको पता चल रहा है कि ये रगड़ने की बात हो रही है। ठीक है, तो घर्षण वैद्युतिकी का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच एक विद्युत उत्पन्न होता है जिसे घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। फिर से, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उसमें एक प्रकार का विद्युत उत्पन्न होता है जिसे घर्षण वैद्युतिकी कहा जाता है। देखिए मैं बोल रहा हूँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, यानी कि वे एक समान की वस्तु नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर वह कांच की छड़ है तो कांच की छड़ को यदि कांच की छड़ पर रगड़ेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कांच की छड़ और सिल्क, रेशम का टुकड़ा, ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, यानी दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। तो यही कह रहा हूं मैं कि दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आपस में जब रगड़ते हैं तो उनके बीच एक वैद्युत उत्पन्न होता है जिसे घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। आई होप आपको घर्षण वैद्युतिकी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए घर्षण वैद्युतिकी के बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश की उत्पत्ति। आवेश की उत्पत्ति यानी ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई इसको हम लोग सीख लेते हैं। आवेश की उत्पत्ति को सिखाने के लिए हम दो पदार्थ ले लेते हैं, एक Na ले लिया और एक क्या ले लिया? Cl ले लिया। ठीक है, Na का क्या होता है? 11 यानी 281 और Cl को होता है 17 यानी 287। ठीक है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 281 हो जाएगा और क्लोरीन के यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 287 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि सोडियम की जो अंतिम कक्षक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी सोडियम को कितना चाहिए? 7 चाहिए, यानी इसके अष्टक में 8 होना चाहिए और क्लोरीन के अष्टक में भी कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके पास एक है, इसके पास 7, इसे 7 चाहिए और इसे कितना चाहिए? 1 चाहिए। अब देखिए इसे 7 चाहिए तो 7 तो कोई देगा नहीं, तो ये क्या सोडियम क्या काम करता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, यानी ये दे देगा। ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इसके पास कितना बचेगा? 2 और 8 बचेगा और इस पर एक चार्ज आ जाएगा जिससे हम कहेंगे धनावेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसी तरह यदि हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन किसी को 7 तो दे नहीं सकता, ये क्या करता है कि किसी से एक ले लेगा, तो जिसे हम सोडियम और क्लोरीन का अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सोडियम क्या किया? एक त्याग कर लिया और क्लोरीन उसे एक क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। तो इसके कक्षक कितना आ जाएंगे? 2, 8, 8 हो जाएंगे और इस पर एक चार्ज आ जाएगा जिसे हम कहेंगे निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए इसका हम नेट चार्ज निकाल लेते हैं कि नेट चार्ज कितना होता है। तो सोडियम का निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो सोडियम का जो निगेटिव चार्ज है वह कितना हो जाएगा? -10E। पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी? 11। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? पॉजिटिव या +11E। अब इसका नेट चार्ज हम यहाँ से क्या करेंगे? निकाल लेंगे। नेट चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? +E। ठीक है, इसी तरह
क्लोरीन का भी निकाल लेते हैं। क्लोरीन का जो निगेटिव चार्ज है, क्लोरीन का निगेटिव चार्ज क्या होगा, माइनस 18 ई, क्या होगा, माइनस 18 ई। इसका पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कितना है ये 17, तो 17 ई। अब नेट चार्ज इसका भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तो नेट चार्ज इसका हो जाएगा माइनस ई। क्लियर। अब देखिए, यानी सोडियम पर जो आवेश आया है वह धनावेश आया है, क्लोरीन पर जो आवेश आया है वह ऋणावेश आया है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको समझाने के लिए दो और चीजें ले लेता हूं। यानी एक पदार्थ मैंने ए ले लिया, एक पदार्थ क्या ले लिया, बी। एक पदार्थ ए ले लिया, एक पदार्थ क्या ले लिया, बी। तो ए ने बी को मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन दिया, ए ने बी को मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन दिया, यानी ए त्याग किया तो ए पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ए क्या किया, दिया है, त्याग किया है, ठीक है, तो ए पर क्या, कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, सॉरी प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ए ने त्याग किया है तो ए पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और बी ने लिया है, अब देखिए ये लिया है मतलब रेडी है, तो इस पर क्या, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो संख्या हम लोग लिख रहे हैं वह संख्या किसके बराबर होती है, वह संख्या एन के बराबर होती है। ठीक, तो n का कहने का मतलब है कि इसी तरह आप एक पदार्थ और ले लीजिए a और b, मान लेते हैं कि a ने b को n इलेक्ट्रॉन दिया, मान लेते हैं कि a ने b को n इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो a पर आवेश उत्पन्न होगा वह n e हो जाएगा और b पर आवेश उत्पन्न होगा माइनस n e हो जाएगा, और ये जो होता है वह आवेश q, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, q, Q बराबर प्लस एन ई। इससे हमें ये पता चलता है कि Q बराबर एन ई, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया Q बराबर एन ई। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखिए आवेश की बात करते हैं, तो आवेश हमारा क्या है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं। ठीक है, कि आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, या आप इसे एम्पियर सेकेंड में लिख सकते हैं, किसमें लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड में। यदि आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हैं, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला यानी बीमीय सूत्र, यदि आप इसका बीमीय सूत्र लिखना चाहते हैं तो एम्पियर का हो जाएगा ए, सेकेंड का हो जाएगा टी। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हो रही है। देखिए, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन ए ने बी को दिया, ए ने बी को 3 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया। ठीक है, इसी तरह n इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इस पर प्लस आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब बात को ध्यान से सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, देखिए इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, इससे हमें पता चलता है कि आवेश की उत्पत्ति हो रही है। तो आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होती है। ठीक है, तो आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होती है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आइए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी पढ़ते चलते रहिए और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, नोट्स रहेगा तो आप उसे बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक पॉलीथीन के टुकड़े पर 9.6 माइक्रोकूलाम का आवेश है। ठीक है, उस पॉलीथीन के टुकड़े पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। यदि सामान्य अवस्था पर रखा जाए तो उस पॉलीथीन के टुकड़े पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, आंसर कर लेते हैं।
ठीक। अब देखिए हमें n ज्ञात करना है, n क्या करना है, ज्ञात करना है, और आवेश हमें दे रखा है 9.6 माइक्रो कूलम, 9.6 माइक्रो कूलम। तो 9.6 माइक्रो कूलम है तो आप इसे 9.6 इंटू 10^-6 कूलम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9.6 माइक्रो कूलम है तो आप इसे 9.6 इंटू 10^-6 कूलम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है कि एन ई, हमारा जो फॉर्मूला है वह है क्यू बराबर एन ई, ये फॉर्मूला है, इस पर हमें सॉल्व करना है। अब देखिए क्यू का मान हमें पता है, एन ज्ञात करना है, तो आपको ई का मान भी तो पता होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन का मान भी पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का कितना मान होता है याद रखिएगा, ये हमेशा हर क्वेश्चन में इसका उपयोग होगा, 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। अब देखिए इसको हम यहाँ पर रख देते हैं तो Q, अब हमें N ज्ञात करना है तो N बराबर Q बाई क्या हो जाएगा E, N बराबर Q का मान हमें दिया है 9.6 इंटू 10^-6 कूलम और E का मान दिया है 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, ठीक है। अब देखिए 16 एकम 16, 16 छके 96, यानी n बराबर हो जाएगा 6 इंटू 10^। अब देखिए नीचे क्या है, 10^-19, जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो 10^+19 हो जाएगा, और 19 में से आप 6 को जब रिमूव करेंगे तो 9 में से 6 गया 3 और ये क्या बच जाएगा 1, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगी, 6 इंटू 10^13, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी उस पॉलीथीन के टुकड़े में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। 6 इंटू 10^13 इलेक्ट्रॉन उस पॉलीथीन के टुकड़े में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि उस पॉलीथीन के टुकड़े का जो द्रव्यमान है वो भी बताइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कर बता देता हूँ। तो देखिए डेल्टा एम पॉलीथीन के टुकड़े का द्रव्यमान क्या पूछ दिया, डेल्टा एम हमको ज्ञात करना है, तो डेल्टा एम ज्ञात करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जैसे एम ई, ठीक है, इसको कैपिटल एम यानी द्रव्यमान मास, और ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन, तो कितना होता है 9.1 इंटू 10^-13 के जी, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10^-31 के जी। अब देखिए इसको हम उसी सूत्र पर रख देंगे, यानी डेल्टा एम हमको ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा एन ई, तो एन अब यहाँ पर द्रव्यमान क्या हो गया एम ई, ठीक। तो डेल्टा एम बराबर एन का मान हमें दिया है कितना है, 6 इंटू 10^13 इंटू, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें दिया है 9.1 इंटू 10^-31 के जी। आप दो मान अवश्य याद रखिएगा, एक क्या है द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 यानी 6 एकम 6, 6 नवा 54, ठीक है, इंटू 10^। अब देखिए 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया 1, और ये माइनस माइनस लग जाएगा, ये के जी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम बहुत ही सरल है, आप उसे अच्छे से समझिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कूलाम का नियम कूलम्स ला, कूलाम का नियम कूलम्स ला। देखिए फ्रांसीसी विज्ञानी कूलाम ने दो आवेशों को लेकर एक परीक्षण किया और उन्हीं के उस परीक्षण के नियम को बोलते हैं कूलाम का नियम। अब देखिए उन्होंने कैसा परीक्षण किया था, वे दो आवेश ले लिए थे Q1 और Q2, दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिया Q1
Q2 और उन्हें परस्पर दूरी R पर रखा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। Q1 Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिया और उन्हें परस्पर R दूरी पर रखा। ठीक है, और उनके बीच जो बल लग रहा था वह बल क्या हो रहा था? F। ठीक, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, विद्युत बल, उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या था? कूलम्ब का नियम। तो देखिए, उन्होंने क्या काम किया कि दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिया, उन्हें एक समान दूरी पर रखा। ठीक है, और उनके बीच जो बल लग रहा था F। अब देखिए, मैं उस परिभाषा में परिमाण का नाम लिया हूँ। जैसे इस पर मान लीजिए कि प्लस 5E है, इस पर माइनस 4E है, तो परिमाण की जब बात करेगा तो हमें केवल इस संख्या से मतलब होगा। ठीक है, प्लस या माइनस से मतलब नहीं होगा, उसकी केवल संख्या से मतलब होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो कूलम्ब ने क्या काम किया कि दो स्थिर बिंदु आवेश ले, देखिए मैं बार बार कर रहा हूं, स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, के मध्य लगने वाला ये क्या है? F, यानी विद्युत बल। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल यानी F, ठीक है, वह उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो समानुपाती परिमाणों का गुणनफल यानी Q1 और Q2, Q1 into Q2, क्लियर। अब देखिए क्या कर रहा है कि उनके बीच की दूरी क्या है? R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती लिख लीजिए, समझ गए? यानी कि फिर से सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिख दिया? कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। फिर हम करेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या समीकरण को 2 से जब करेंगे तो जाएगा F समानुपाते Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, जब समानुपाते का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, जहां K एक नियतांक है, जहाँ के एक क्या है? नियतांक है, जिसका मान होता है 1/4πε₀। 1/4πε₀, क्लियर। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। या आप इसे 9×10⁻⁹ कूलम्ब भी लिख सकते हैं, सॉरी कूलम्ब में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, यानी 1/4πε₀ आप के का मान लिख सकते हैं, या 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी तुलना से हम लोग जब इस पर रखेंगे, सूत्र पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? F=1/4πε₀ Q1 Q2 r² ये हमारा क्या हो गया? कूलम्ब का नियम हो गया। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह 8.85×10⁻½ कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युतशीलता, विद्युतशीलता क्या होती है। ठीक है, अगला हम लोग का टॉपिक है विद्युतशीलता। ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक, आप देखिए क्या करिए कि दो आवेश ले लीजिए और उन्हें परस्पर दूरी R पर रखिए। ठीक, यानी कि आप इसे एयर में रखिए और उन्हीं दो बिंदु आवेशों को आप वाटर में रखिए और उनके बीच की दूरी जो होनी चाहिए वह सेम होनी चाहिए, यानी R होनी चाहिए।
ठीक है। तो क्या कह रहा है कि दो जब वैद्युतशीलता पदार्थ का वह गुण होता है जो इन दोनों आवेशों के बीच यह निर्धारित करता है कि इनके बीच कितना बल आरोपित होगा, ठीक है। यानी कि F इक्वल टू एफ बाई 80, जब भी वाटर की बात करेगा तो वाटर का जो वैद्युतशीलता होता है वह 80 होता है, तो F बराबर F बाई क्या हो जाएगा 80, क्लियर है। तो वैद्युतशीलता क्या होता है, वैद्युतशीलता पदार्थ का वह गुण होता है जो यह निर्धारण करता है कि इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल आरोपित होगा। आयु आपको ये बात क्लियर हुई होगी। और वैद्युतशीलता को हम एप्साइलन से प्रदर्शित करते हैं, किससे, एप्साइलन से, एप्साइलन नॉट नहीं है, केवल एप्साइलन, यानी वैद्युतशीलता को हम एप्साइलन से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। तो अब इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है परावैद्युतांक या किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है। तो यहां पर हम हेडिंग बना देते हैं परावैद्युतांक या माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, परावैद्युतांक या माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है। अब देखिए परावैद्युतांक क्या होता है कि आप यहां पर एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट बराबर के कर दीजिए, ठीक है। परावैद्युतांक क्या होता है, के, ठीक है। परावैद्युतांक के किसी माध्यम, ई जो एप्साइलन है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, और जो एप्साइलन नॉट है अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि वह निर्वात की वैद्युतशीलता थी, ठीक है। एप्सिलॉन एक निर्वात की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन यानी किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता। तो परावैद्युतांक का जो परिभाषा है वह क्या हो जाएगा, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, फिर से सुन लीजिए, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही परावैद्युतांक या माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि परावैद्युतांक या माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता बल के पदों में ज्ञात करिए, ठीक है। बल के पदों में क्या करिए, ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन ये हम बना लेते हैं यहाँ पर कि परावैद्युतांक या माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता बल के पदों में ज्ञात करिए या परिभाषित कीजिए, या परिभाषित कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि परावैद्युतांक या माध्यम की जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता है वह आपको बल के पदों में परिभाषित करना है। तो आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है कि आप Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश ले लीजिए और इन्हें आप परस्पर दूरी R पर रख दीजिए, और इन्हें कहाँ रखना है आपको, एयर में रखना है, हवा में या निर्वात में रखना है, बात देखिए होती है, ठीक। और जो इनके बीच जो बल आरोपित होगा वह बल कौन सा होगा, एफ ए, ठीक। तो इससे मैं ये पता चला कि एफ ए इजकल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, समीकरण एक, आपको ये पता है तो आप यहां पर लिख सकते हैं कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से ये बात समझ में आ गई कि एफ ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करिए कि आप इसी के परावैद्युतांक के दो आवेशों को आप किसी माध्यम में रख दीजिए, यानी फोर्स इन मीडियम किसी माध्यम में रख दीजिए, उतनी ही दूरी पर रख दीजिए R, उतनी ही दूरी R पर रखिए, और उनके जो बीच बल आरोपित होगा वह Fm यानी फोर्स इन मीडियम, ठीक है। और जो इनके बीच जो वैद्युतशीलता होगी वह क्या होगी, एप्साइलन, यानी इनके बीच जो वैद्युतशीलता होगी क्या होगी,
एप्साइलन। ये किसी माध्यम में भी बताया कि एप्साइलन क्या होता है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्साइलन नॉट जो होता है वह निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो इससे अब हमें ये लिखना पड़ेगा एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आपको ध्यान से देखना है क्या कि एफ एम 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है क्या K बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी आप इसे लिख सकते हैं, यानी कि एप्सिलॉन बराबर लिख सकते हैं K एप्सिलॉन नॉट, यानी आप एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, किसके आगे, तब एफ एम बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तब एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट, आपको बात क्लियर हो रही है। ठीक, अब जब इसके बाद हम सॉल्व करें, इसी समीकरण आप दो बना लीजिए, तो समीकरण एक और दो से यहाँ आप कर लीजिए, समीकरण एक व दो से। ठीक है, समीकरण एक व दो से जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बटे एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, आपका बस कितना बचा K। ठीक है, यानी एफ ए बाई एफ एम इक्वल टू के, एफ ए बाई एफ एम इक्वल टू क्या हो गया K। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही हम परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, हमने इसे बल के पदों में यहाँ पर आपको ज्ञात करके दिखा दिया। ठीक है, जब अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। ठीक है, कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों में भी शेयर करिए। Thanks for watching.